Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are starting our chapter 8, that is elimination. So open your books, page number 189. First of all, we have to know what is elimination. Elimination hum kehte kisko hai? Basically elimination ka matlab hota hai alag karna, separate karna किसी भी वैल्यू को. तो हम जानते हैं कि अलजेब्रा में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मेथड जो है वो एलिमिनेशन कहलाता है. एलिमिनेशन जो है वो कितने मेथड से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास पहला मेथड है वो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना, किसी भी वैल्यू को पुट करना. तो इस मेथड में हम एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करने के लिए हम एक वेरिएबल को पहले सेपरेट करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकें, देन हम उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी एलिमिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा. सेकेंड मेथड कहलाता है वो है कंपैरिजन मेथड. थर्ड मेथड है एलिमिनेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. और फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो अभी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 8.1, और इसमें आपको एलिमिनेशन करनी है बाय दीज मेथड्स. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि आपको किस मेथड से एलिमिनेशन करनी है. आज मैं आपको दो मेथड करना बताऊंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कंपैरिजन मेथड. सबसे पहले पेज नंबर 195 एक्सरसाइज 8.1, एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. अब आपने क्या करना है, ए वेरिएबल को एलिमिनेट करना है इन इक्वेशंस में से. कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. जैसा कि आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं ए बी, और यहाँ भी कॉमा के बाद जो इक्वेशन स्टार्ट हुई है ये सेकेंड इक्वेशन है. यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं ए और बी. तो हम किस तरह से एलिमिनेशन कर सकते हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे. पहली इक्वेशन 2a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ. और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ. अब आपने इक्वेशन को सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मुझे ए को एलिमिनेट करने को कहा है, तो मैं इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लूँगी जो मुझे इजी लगती है ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो पहली इक्वेशन में देखिए ए के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, और यहाँ पर ए के साथ कोएफिशिएंट 1 मौजूद है. तो मैं क्या करूँगी, मैं सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करूँगी ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो बहुत ईजिली फॉर्म हो जाए. फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मैंने लिखी a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. मुझे a को सेपरेट करना है तो a यहीं पर है. माइनस 2b जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा, और प्लस 1 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा. ये मुझे मिल गई है a की वैल्यू. अब मैं क्या करूँगी, नाउ पुट a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 1 इन इक्वेशन 1. ये मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी, इक्वेशन 2 ली थी. यहाँ मैं 2 लिख रही हूँ. पहले मैंने इक्वेशन 2 ली, यहाँ से मैंने a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में अब मैं पुट करूँगी. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखती हूँ. इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है मेरे पास 2a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो मैं यहाँ पे 2 और a की जगह a की वैल्यू पुट कर दूँगी. 2b माइनस 1 प्लस 3b माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0. जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी ये हो जाएगा 4b माइनस 2 प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ. 4b एंड 3b विल बी 7b माइनस 2 एंड माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. आप इसको यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 7 को. तो मैं 7 कॉमन ले लूँगी तो ये हो जाएगा b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है. तो इस इक्वेशन में से a एलिमिनेट हो चुका है, तो दिस इज़ योर आंसर. आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं. आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 0 से डिवाइड हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. लेकिन अब आप इसको आगे करेंगे तो आपको फिर b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो आपने सिर्फ एलिमिनेट करना था, तो हमारे पास a एलिमिनेट हो गया. तो ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है.
ओके, तो अब मैं आपको इसका पार्ट फाइव करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर वन का। यहाँ भी आप देख सकते हैं दो इक्वेशंस हैं। पहले हम इक्वेशंस को नाम दे देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो गई इक्वेशन वन, एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, ये हो गई है इक्वेशन टू। तो कौन सी इक्वेशन आसान है? इक्वेशन टू, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं आ रही। मैं इक्वेशन टू लूँगी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, ए एलिमिनेट करना है तो ए यहीं रहेगा, माइनस बी यहाँ आके हो जाएगा प्लस सी, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। नाउ पुट ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, एंड आफ्टर देन जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो ए की जगह स्क्वायर है, यहां आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए की जगह मैं ए की वैल्यू लिखूंगी, वो क्या वैल्यू आई है, बी प्लस सी। अब आप इसको यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें यहाँ पे फार्मूला ओपन कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, और आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें से ए एलिमिनेट हो चुका है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जिस तरह से मैंने पार्ट वन और पार्ट फाइव आपको कराया है क्वेश्चन नंबर वन का, ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में। सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन, एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। अब इसमें से आपने क्या एलिमिनेट करना है, टी, और आप देख सकते हैं इक्वेशंस में आपके पास दो तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक्स वाई एंड टी। तो आपको टी एलिमिनेट करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन फाइव टी, दिस इज अवर इक्वेशन वन, एंड एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टी, दिस इज अवर इक्वेशन। अब मैं कोई से भी इक्वेशन ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे टू इक्वेशन अगेन बहुत ईजी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे टी के साथ सिर्फ वन अपॉन टू है, तो मैं इसको कर लूँगी फ्रॉम इक्वेशन टू, एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टी। मुझे टी को एलिमिनेट करना है तो टू डिवाइड हो रहा है, एक्स से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, नाउ पुट टी इज इक्वल्स टू टू एक्स इन इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन जो है वो क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन फाइव टी, सो वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन फाइव, टी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, टू एक्स। नाउ वाई इज इक्वल्स टू 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 ज़ा फोर एक्स अपॉन फाइव। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो फाइव डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइव वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स, और मैं चाहूँ तो ये स्टेप भी कर सकती हूँ, फाइव वाई प्लस फोर एक्स है, यहाँ आगे हो जाएगा माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको टी एलिमिनेट करना था, टी एलिमिनेट हो चुका है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अब आपको करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर टू का, दैट इज पार्ट फोर। फर्स्ट इक्वेशन इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। ये वही इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन लिखूंगी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन वन का, और सेकेंड हो गई एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन टू का। टी एलिमिनेट करना है तो मैं कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट करूँगी, मैं इक्वेशन वन सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि इक्वेशन वन में एक जगह टी मौजूद है, और इक्वेशन टू में जो है वो टी दो जगह आ रहा है, एक वी आई के साथ आ रहा है और एक जी के साथ आ रहा है, तो मैं इक्वेशन वन लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन इज़ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, मुझे टी की वैल्यू चाहिए तो वी प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू जी टी। टी मालूम करना है तो जी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई टी की। अब मैं इस टी की वैल्यू को पुट कर दूंगी इक्वेशन टू में, नाउ पुट t इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी इन इक्वेशन टू।
सो इक्वेशन टू बिकम्स एस इज इक्वल्स टू वी आई, टी की जगह मैंने बना दिया ब्रैकेट, प्लस वन अपॉन टू जी, टी स्क्वायर की जगह भी मैंने बना दिया ब्रैकेट. नाउ टी की जगह मैं लिख दूंगी वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, और यहाँ भी मैं लिख दूंगी वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी. नाउ अब हम क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी आई वी एफ, और ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, डिवाइड में है आपके पास जी. नाउ प्लस वन अपॉन टू जी, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास जी आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर. ये फॉर्मूला ओपन कर दिया और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास जी स्क्वायर. नाउ एस इज इक्वल्स टू, यहाँ जी स्क्वायर से एक जी कैंसिल हो गया है, तो अब आपके पास वैल्यू बची वी आई वी एफ प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, एंड प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, जी और टू जी का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू जी. एलसीएम लेने से जी से जी कैंसिल, तो सिर्फ टू बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा टू वी आई वी एफ प्लस वी आई स्क्वायर. एलसीएम वाला स्टेप आप लोग पहले कर चुके हैं, यहाँ पे टू जी से टू जी कैंसिल हो रहा है तो सिंपल ये वाली वैल्यू आ जाएगी वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर. अब ये 2g डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2gs. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2vi और माइनस 2vi कैंसिल हो रहा है, और अब आपके पास क्या बच रहा है, वी एफ स्क्वायर प्लस 2vi स्क्वायर, एंड देयर इज प्लस vi स्क्वायर. यस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, पहली जो हमने इक्वेशन पुट करी थी यहाँ पे माइनस था, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया है गलती से, तो ये प्लस नहीं है, दिस इज़ माइनस. सो अगेन दिस इज़ ये क्या है, माइनस. तो यहाँ भी जो आपके पास साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा. नाउ माइनस प्लस माइनस, टू वी आई में से वन वी आई जाएगा तो आपके पास बच जाएगा माइनस वी आई स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में से टी एलिमिनेट हो गया है, सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके सो क्वेश्चन नंबर टू के मैंने आपको दो पार्ट करा दिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप सेम इसी मेथड से करेंगे, उसमें आप टी जो है वो एलिमिनेट करेंगे. अब जो मैं आपको मेथड सिखाने जा रही हूँ वो है कंपैरिजन मेथड. कंपैरिजन का वर्ड कंपेयर से निकला है, कंपेयर का मतलब दो वैल्यूज़ जो बराबर हों एक दूसरे के, उनको हम कंपेयर करें एक दूसरे के साथ. तो अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको सवाल में मेंशन कर दिया है कि एलिमिनेट वी आई, यानी कि आपने वी आई को एलिमिनेट करना है इक्वेशंस में से बाय कंपैरिजन मेथड. तो अगेन सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चंस लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी. सो दिस इज योर इक्वेशन वन, एंड एस इज इक्वल्स टू वी आई टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर. ये हो गई इक्वेशन टू. अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन लेंगे सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन वन. पहले तो ये था हम सिलेक्ट करते थे जो इक्वेशन हमें इजी लगी है, हम उसमें से सिलेक्ट करते थे. अब आपको कंपैरिजन मेथड में दोनों ही इक्वेशन में से वी आई को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपसे कहा है एलिमिनेट वी आई. सबसे पहले मैं इक्वेशन वन लिख रही हूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी. मुझे वी आई को एलिमिनेट करना है तो ये वैल्यू प्लस हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके माइनस हो जाएगी. वी एफ माइनस जी टी इज इक्वल्स टू वी आई, ये मुझे मिल गई इक्वेशन थ्री. वी आई एलिमिनेट हो गया, इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ. अब मैं लूँगी इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू. इक्वेशन टू इज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर. मुझे यहाँ से भी अब वी आई को एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले ये टर्म माइनस हो रही है, एस के साथ आके प्लस हो जाएगी. एस प्लस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई टी. अब अगेन वी आई के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टी यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा. एस प्लस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू
वी आई, ये मुझे मिल गई दूसरी वी आई की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन फोर का नाम कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों इक्वेशंस किसकी मिल गई, वी आई, तो हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड फोर। कंपेयर करने के बाद हमारा क्या काम होता है, जो सेम वैल्यू होती है वो हम नहीं लिखते, यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे वी आई है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे वी आई है, तो मैं वी आई नहीं लिखूंगी। ये वी आई किसके बराबर है, वी एफ माइनस जी टी के, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी वी एफ माइनस जी टी। और राइट हैंड साइड पे वैल्यू जो आ गई है इस वी आई की, मैं उसको लिख दूंगी एस प्लस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, टी डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये राइट हैंड साइड पर टर्म ऐसे ही आ गई। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सो टी मल्टीप्लाई होगा जब इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा वी एफ टी एंड माइनस जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा टू, सो ये हो जाएगा टू एस प्लस जी टी स्क्वायर। नाउ टू डिवाइड हो रहा है अगेन, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू वी एफ टी माइनस टू जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एस प्लस जी टी स्क्वायर। अगेन अब ये देखें, ये जी टी स्क्वायर है, यहाँ भी जी टी स्क्वायर है, ये प्लस जी टी स्क्वायर है, मैं इसको यहाँ भेज दूंगी तो ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। सो टू वी एफ टी माइनस टू जी टी स्क्वायर प्लस जी टी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो माइनस जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एस। नाउ टू एस इज इक्वल्स टू टू वी एफ टी माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स माइनस थ्री जी टी स्क्वायर। ये आपके पास बन गई है इक्वेशन। वैसे तो आपको एलिमिनेट करना था वी आई, तो वी आई तो हमारे पास यहीं स्टेप में एलिमिनेट हो गया था, लेकिन हमने इसको एक इक्वेशन फॉर्म में बना दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल आप इक्वेशंस को कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद आप सिंपल कैलकुलेशन कर दें, जहां तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है तो इट मींस आपकी एलिमिनेशन डन हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको एलिमिनेशन के दो मेथड सिखाए हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक कंपैरिजन मेथड, जो कि आपकी एक्सरसाइज के थ्री क्वेश्चन पे बेस करता है। क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री जो पार्ट्स मैंने करा दिए हैं वो आप कॉपी करेंगे और बाकी पार्ट्स को सेम इसी मेथड से आप नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।